गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे ये है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और उस लेक्चर में हमने दो कंसेप्ट सीखे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और रेट ला एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉ मास एक्शन एंड रेट ला। लॉ ऑफ मास एक्शन वो प्लस वन के लिए वैलिड था, उसको क्रॉस करके अब नया कंसेप्ट आता है रेट ला। जैसे ही तुम रेट ला सीखते हो उसी के बेसिस पे तुम निकालते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। क्लियर? इससे प्रीवियस वीडियो में ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके थे। अब जो हम आज जो कंसेप्ट करेंगे दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ से अक्सर बोर्ड लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा जो कंसेप्ट होगा वो होगा यूनिट। हमने जो आज करना है वो है यूनिट ऑफ के, कि जो हमारा के है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो हमारा के होता है वो क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट। दिस वन इज़ द रेट कॉन्स्टेंट, ये हमारा होता है रेट कॉन्स्टेंट। कि जो हमारा यूनिट होता है के का वो क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू, जरा कंसेप्ट ध्यान से समझना कि हमने क्या करना, हमने यूनिट निकालने किसके, के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, थर्ड ऑर्डर एंड विद रिस्पेक्ट टू जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन, किसी भी ऑर्डर के आप यूनिट कैसे निकालते हो, किसके रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में। क्लियर? देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, जरा देखिए। पूछा जाता है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर होता है उसके, फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होती है उसमें जो रेट कॉन्स्टेंट होता है के, उसके यूनिट के होते हैं। चार ऑप्शन देगा, एक पे टिक करके आना पड़ेगा। बोर्ड लेवल की बात कर लेते हैं, बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके जो रेट कॉन्स्टेंट होता है, उस रिएक्शन का जो रेट कॉन्स्टेंट होता है, रेट कॉन्स्टेंट का मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होता है, मीन्स के होता है, उसके यूनिट के होते हैं, उसको ड्राइव करके दिखाइए। वन मार्क्स का ही क्वेश्चन बनता है, वन एंड हाफ मार्क्स का। क्लियर? तो ये आज का हमारा क्या रहेगा, कंसेप्ट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जरा देखिए, तो सबसे पहले हम केस वन लेके चलते हैं, केस वन में लेके चलेंगे फॉर जीरो ऑर्डर। सबसे पहले हम लेके चलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में हम यूनिट कैसे निकालते हैं, किसके, रेट कॉन्स्टेंट के। तो देखिए बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, वी नो दैट, हमें पता है कि जो रिएक्शन का जो रेट होता है अकॉर्डिंग टू रेट ला वो क्या होता है कि के, और यहाँ पे क्या लेके चलते थे हम, कंसंट्रेशन की पावर एन। अब यहाँ पे जो एन है, एन हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा कि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ वी टॉक अबाउट द यूनिट। तो जरा देखिए, केस फर्स्ट लेके चलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो वी नो दैट, ये रेट लाने हमें बताया कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर एन, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए। तो वी नो दैट, अगर जीरो ऑर्डर के लिए तुम करते हो तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या पुट करोगे, जीरो। क्यों? क्योंकि भाई जीरो ऑर्डर के लिए हम यूनिट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जीरो। नाउ अब ये क्या है हमारा रेट, फिजिक नॉन मेडिकल स्टूडेंट को अच्छे से पता होता है कि रेट क्या होता है, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन करके आए हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी के भी रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो यहाँ पे रेट का मतलब क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे रेट का मतलब है कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्लियर हुआ? अब इधर चलते हैं, अब यहाँ पे देखिए के, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, कंसंट्रेशन की पावर जीरो, क्योंकि एन की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा, जीरो। अब आगे देखिए, आगे का सीन, चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब कि मैं यहाँ पे यूनिट निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख लूँ, बाकी मैं स्किप कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या नोट किया, टाइम। अब यहाँ पे देखिए के, और यहाँ पे क्या आया, किसी की भी पावर जीरो के होता है वन, तो ये इंटू वन आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे के हमने यूनिट निकालने, तो के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, अच्छे से करके आए हो सॉल्यूशन चैप्टर में, कंसंट्रेशन पता है, कंसंट्रेशन को किस में मेजर करते हैं, मोल पर लीटर, सो सिंपल, मोल पर लीटर, ठीक है। और टाइम को किस में लेके चलते हो, सेकंड। तो ये इसके क्या आ गए, ये यूनिट आ गए, ये इसके क्या आ गए, यूनिट। अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करूँ तो इसके के जो यूनिट आते हैं वो क्या आते हैं, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, एंड दिस वन इज द कंसेप्ट। ये वन मार्क्स का या वन एंड हाफ मार्क्स का CBSE में, ICSE बोर्ड में या अदर स्टेट लेवल पे पूछा जाता है एग्जाम में। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट, ये हमने सीखा किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ
अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब सेम पैटर्न हमने किसके लिए करना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये हमने जीरो ऑर्डर का किया, अब हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का। किसी भी ऑर्डर का तुम यूनिट निकाल सकते हो, तो लेकिन ध्यान रहे, लेकिन CBSE जनरली जीरो एंड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द NCERT बुक, हमने जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर चलता है हमारा कंपटीशन लेवल के लिए। तो नाउ वी टॉक अबाउट द केस सेकंड। नाउ यहाँ हैंडिल लगाइए केस सेकंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए चलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर दोबारा से वही फंडा यूज़ करेंगे कि वी नो दैट हमें सिखाया है रेट लाने की, रेट होता है किसके इक्वल, के इंटू कंसंट्रेशन की पावर एन। लेकिन हमने क्या किया, हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना, तो यहाँ पे हम एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। तो कर दीजिए, रेट अभी करके आए हैं, रेट का मतलब क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे के। अब यहाँ पे क्या आएगी हमारी, कंसंट्रेशन की पावर 1। अब आगे देखिए, किसी की भी पावर 1 होता है तो यही रह जाएगा। अब यहाँ से सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ कर सकते हो कि यहाँ से कंसंट्रेशन कैंसिल मर गया। अब यहाँ पे देखिए के किसके इक्वल रहा, 1 अपॉन टाइम के। के किसके इक्वल रहा, 1 अपॉन टाइम के। अब यहाँ पे देखिए के इज इक्वल टू टाइम, वी नो दैट टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। सेकंड को ऊपर लेके आओ तो क्या आ गया, सेकंड इनवर्स। तो दिस वन इज द कंसेप्ट, ये आ गया हमारा रेट कांस्टेंट का यूनिट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। क्लियर? अब चलिए, अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, हम इसका एक शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द शॉर्टकट। अब देखो, अब ये तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का निकाल दिया, अब हम ट्रिक पे चलते हैं कंपटीशन के लिए, ठीक है। अब ट्रिक क्या कहती है, इस चीज़ को ज़रा देखिए। तो बेहतरीन ट्रिक लगाएंगे हम इसमें, ज़रा देखिए। इसके लिए ट्रिक है हमारे पास, किसी का भी निकाल सकते हो चुटकियों में। कैसे निकालोगे, देखिए, हमने यूनिट निकालना है के का, तो इसके लिए बेस्ट ट्रिक क्या होती है, ज़रा देखिए। हमें जस्ट ये फॉर्मूला लर्न करना है और वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे मोल पर लीटर, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 1 माइनस एन, उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम सेकंड इनवर्स, बात खत्म। दिस वन इज द सुपर ट्रिक। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए देखिए, तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड ऑर्डर, ये बोल दिया उसने, थर्ड ऑर्डर के केस में भाई यूनिट निकाल के दिखाओ। तो देखिए कैसे करेंगे आंसर, बस हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, के इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मोल पर लीटर 1 माइनस, अब यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या दी हुई है, थर्ड, तो यहाँ पे मैंने 3 पुट किया और यहाँ पे क्या आया, सेकंड इनवर्स। अब कर दीजिए जिसको सोल्व, मोल अपॉन लीटर की पावर माइनस 2 एंड सेकंड इनवर्स, बस दैट इज़ द आंसर। इसको आगे मॉडिफाई कर सकते हो, सोल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। लीटर ऊपर ले जाओ, मोल नीचे ले जाओ, तो ये प्लस को हो जाएगा, क्लियर। तो मोल स्केयर लीटर माइनस 2 सेकंड माइनस 1, ऐसे भी कर सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो किसी भी ऑर्डर का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपल शॉर्टकट आप दे सकते हो। दिस वन इज द पैटर्न ऑफ बोर्ड, ये बोर्ड लेवल में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी हल्का फुल्का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो दूसरा मेथड क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, वो जरा चेक कीजिए, बड़ा सिंपल मेथड है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है अक्सर, लेकिन ये इजी लेवल है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, उसने बोल दिया स्टेटमेंट में कि हमारे पास कोई रिएक्शन है और उसके के की वैल्यू दे दी, उसने कहा उसका जो के है 0.3 × 10⁻², ऐसे बोल दिया, और उसने बोल दिया हमारे पास कोई रिएक्शन है, फाइंड द ऑर्डर, इसका ऑर्डर निकालिए, फाइंड द ऑर्डर, इसका ऑर्डर निकालिए। अब बच्चे घबरा जाएंगे, भाई हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नो, देखो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, उसने जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी हुई है, वैल्यू के पीछे जरा चेक कीजिए क्या दिया हुआ है, सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। अभी स्टेटमेंट देखिए, सेकंड इनवर्स दिया हुआ है, अब कुछ देर पहले हमने सेकंड इनवर्स, ठीक है, कुछ देर पहले जो सेकंड इनवर्स था ये हमने किसका यूनिट निकाला था, बोलिए, ये निकाला था हमने फर्स्ट ऑर्डर, तो ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे ही क्वेश्चन दे सकता है वो कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, उसकी उसका जो रेट कांस्टेंट है वो कुछ भी वैल्यू दे दी उसने, 0.46 × 10⁻², और पीछे यूनिट लगा देगा, वो पीछे क्या लगा देगा, यूनिट, जैसे कि उसने लगा दिया भाई हमें उसका यूनिट ये है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और बोल दिया फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कीजिए। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, जस्ट पीछे का ये यूनिट पकड़ना है और देख लेना कि ये किस ऑर्डर से बिलोंग करेगा, कि ये जो यूनिट है ये किस ऑर्डर
का है, जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर का है, दैट इज द आंसर। तो ये किसका था हमारा, ये था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द रेट कॉन्स्टेंट, ये हमने सीखा कि रेट कॉन्स्टेंट मीन्स के यूनिट के होते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में तुम ये अप्लाई कर सकते हो। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट।